वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2020 के स्पेशल टेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए स्पेशल टेस्ट चलाई जा रही है, जैसा कि आप सभी को ही पता है, और आज आपका टेस्ट संख्या जो है वो 11 है। तो चलिए देते हैं टेस्ट और देखते हैं कैसे प्रश्न आप लोगों के लिए आज लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट प्रश्न संख्या 1 से, और 1 जो है आपका हिंदी से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपसे अपेक्षा यही किया जाता है कि आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। लाइक नहीं करते हैं आप लोगों के लिए ही मेहनत की जाती है, तो कम से कम लाइक तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लड़का लड़कपन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के लिए सज्जन। सज्जन का विपरीतार्थी शब्द क्या होगा, सज्जन का विपरीतार्थी शब्द क्या होगा। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुर्जन, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में भारतेंदु की सही संधि विच्छेद क्या है, सही संधि जो है वो क्या है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ऑप्शन डी होगा, भारत प्लस इंदु, तो बन जाएगा भारत तेंदु, ठीक है। आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए है, देखिएगा। नीलकंठ शब्द क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यौगिक। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य क्या है, जल्दी से बताइएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिएगा, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग जो है क्यों किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन डी, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, संकेत वाचक अव्यय का वाक्य है। तो 7 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यह गिलास आधा भरा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है, प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है, संयुक्त क्रिया कौन सी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह रोने लगा। क्वेश्चन नंबर 10। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, उपर्युक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है। तुम्हारा विश्वास नहीं करूंगा, तो क्या है वो हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3, ठीक है, तुम्हारा विश्वास करूंगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सकर्मक। और अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका इंग्लिश से आ चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स है, कम टू माय पार्टी, खाली स्थान सैटरडे नाइट। तो यहाँ पे क्या फील होगा, जल्दी से भरिएगा, कम टू माय पार्टी सैटरडे नाइट। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑन, कम टू माई पार्टी ऑन सैटरडे नाइट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस,
सही 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर साइंस 2005। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है पिक आउट द राइट वर्ड, सही शब्द को चुनिए। 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओकेशनली, ओ डबल सी ए एस आई ओ एन ए डबल एल वाई ओकेशनली, यानी कभी कभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। चूज द करेक्ट एंटोनिमीज ऑफ होनेस्ट, होनेस्ट का एंटो आपको चुनना है, जल्दी से बताइएगा। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डज होनेस्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे, जो कि आपका सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की, 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव जो है वो की रचना जो है किन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्ले मिंटो सुधार। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिकी सेना के द्वारा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोस्टन टी पार्टी। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है जो देखिएगा, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे किस नाम से पुकारा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाटो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रसंघ के अस्थायी सदस्य थे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थे, है नहीं थे, राष्ट्रसंघ के अस्थायी सदस्य थे कौन कौन से देश, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन, जापान, ब्रिटेन और रूस। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कौन कौन से देश जो हैं वो अस्थाई सदस्य हैं, अस्थाई सदस्य सुरक्षा परिषद में कौन कौन से देश हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने वीडियो देखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21-22 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपक्षीय संधि। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतया प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था, इस क्वेश्चन को इस तरह से भी जान सकते हैं कि पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः किस उपकरण का प्रयोग किया जाता था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गड़ासा। ठीक है, गड़ासा। और क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को पता होगा, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी, बाराह मिहिर भी थे और आर्यभट्ट भी थे। ठीक है, दोनों जो थे वो गणितज्ञ थे।
और ये गणितज्ञ आर्यभट्ट जो है गणितज्ञ के साथ साथ आपका खगोल शास्त्री भी थे, ठीक है, खगोल शास्त्री। और पूर्ण रूप से अगर क्वेश्चन के अनुसार चले तो जैसा कि यहाँ पूछा जा रहा है गणितज्ञ, इसमें खगोल शास्त्री नहीं जोड़ा गया है, तो आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन सी। और बुक में भी आंसर आपका आंसर सी ही दिया गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 नंबर क्वेश्चन है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम लाइक तो ज़रूर करिएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन कौन सा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्म समाज। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 पे, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैडम ब्लाटबस्की के द्वारा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? और इससे संबंधित एक क्वेश्चन और आती है जो है गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गदर पार्टी की स्थापना किन्होंने की थी। फिलहाल इसका आंसर दीजिए कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा एवं यूएसए में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। उनतीस नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो ये भी आप लोगों को पता होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी, चंपारण। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1920 ईस्वी में। और क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी जो है किस श्रेणी में का ज्वालामुखी है या किस श्रेणी में आता है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शांत ज्वालामुखी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 से देखिएगा, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है किसके लिए? विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है किस लिए, किसके लिए? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़ी बूटी के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। देखिए, आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टुंड्रा। और क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि? तो आंसर हो जाएगा आपका 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे। अग्नेय शैल में निम्नलिखित कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अग्नेय शैल में परतदार चट्टान भी कहते हैं, यानी परतदार चट्टान भी पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें परतदार चट्टान पाए जाते हैं। शायद मैंने गलती बोला है, देखिएगा फिर से क्वेश्चन क्या है, अग्नेय शैल में निम्नलिखित कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं था, तो नहीं पाए जाते हैं इसे, तो इसका आंसर हो जाएगा इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे।
निम्नलिखित में कौन सा खाद्य फसल नहीं है, खाद्य फसल नहीं है, ठीक है। चलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी चाय, यानी कि चाय जो है आपका पेय पदार्थ है, पीने वाला पदार्थ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सागर से दूरी। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को, जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। 2001 हो या 2011 हो, दोनों में ही आपका केरल जो है वो सबसे आगे है महिला साक्षरता दर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निम्न स्तर का, यानी सबसे खराब क्वालिटी का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, और दोस्तों और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर फिर से दीजिएगा, देखिए एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये तो आपका लिग्नाइट हो गया निम्न स्तर का, लेकिन जो सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है वह किस नाम से जाना जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, गेहूँ किस जलवायु की फसल है, गेहूँ किस जलवायु की फसल है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शीतोष्ण जलवायु। और क्वेश्चन नंबर 41, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, घाटशिला झारखंड, ठीक है, घाटशिला झारखंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, निम्नलिखित में से किस कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। और क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। तो आंसर हो जाएगा आपका 43 का ऑप्शन सी, आयन मंडल। और क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भूमिगत जल द्वारा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है, कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 6 वर्ष। और विधान परिषद का कितना होता है, तो 5 साल, ठीक है। विधान परिषद का 6 साल और विधान परिषद का 6 साल और विधानसभा का 5 साल, ठीक है, विधानसभा का 5 साल कार्यकाल होता है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, नीति निर्देशक तत्व तो सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संविधान के द्वारा, ठीक है। और नीति निर्देशकता तो जो है संविधान में कहाँ से ली गई है, तो आयरलैंड से लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48, पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम बताइए। जी हाँ, सही आंसर है ऑप्शन बी, जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है।
द्विसदनात्मक विधानमंडल अर्थात आपका जो विधानसभा और विधान परिषद होती है उसे हम द्विसदनात्मक विधानमंडल कहते हैं। तो कौन से राज्य में जो है वो विधानसभा और विधानमंडल नहीं है, दोनों में से सिर्फ एक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, केरला में। केरला में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है, एक सदनात्मक है। और आपका जो बिहार है, आप लोगों को पता ही होगा यहाँ पे विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी द्विसदनीय है विधानसभा विधान परिषद, और महाराष्ट्र में भी बिल्कुल वैसे ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है, पंचशील जो है वो किन किन देशों के बीच का एक समझौता है। चलिए आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ यानी रूस और चीन अस्थाई सदस्य हैं। देखिए वही क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि आपको कमेंट करके बताना है, वो क्वेश्चन आ गया है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस एंड चाइना कौन से परिषद के अस्थाई सदस्य हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य हैं। और क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी थी, क्योंकि ये बात जो बहुत पुरानी है, ये शायद 1995 के लगभग में ये समझौता हुआ था कि भारत एक शांति सेना भेजेगी यूएन में, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारतीय शांति सेना। और चलिए क्वेश्चन नंबर 53, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है। जी हाँ, सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को। क्वेश्चन नंबर 55 है, देखिएगा, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, अनुच्छेद 19 के तहत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एक अलिखित संविधान जो कि भारत की नहीं है, भारत का जो है वो लिखित संविधान है, लिखित संविधान और पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57 पे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है, हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है, 57, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 62 ईयर्स, 62 साल। अब क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, राज्य का एक मूलभूत तत्व है क्या। 58 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संप्रभुता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है,
किसका है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यूनिसेफ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा आपका 60 का ऑप्शन बी, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है। जी नहीं, राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसलिए आपका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा और ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे, जो कि आपका सामान्य विज्ञान से है। तरंगे, क्वेश्चन नंबर 61, तरंगे जो कि धातुओं में संचरित होती है क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, केवल अनुदैर्ध्य और केवल अनुप्रस्थ भी दोनों होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? जो चाबी देकर चालू करने वाली घड़ी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा भरी होती है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। और क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, 50N के एक बल को, बल का एक्स अक्ष पर घटक 30N है, इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक क्या होगा? तो 63 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 40N। ठीक है, अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 64। 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का तापमान क्या होगा? तो 64 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 20 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बिहार का फेवरेट है, बिहार के लगभग परीक्षाओं में पूछ ही दी जाती है। तो ये है, एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गति का तृतीय नियम। और क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, ये रहा आपका 66 नंबर क्वेश्चन। एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है, तो भवन की ऊंचाई क्या होगी? आंसर हो जाएगा आपका 66 का आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 78.4 मीटर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 67। एक घर में 60 वाट के 5 लैंप हैं, ठीक है, और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं, तो 30 दिन के एक महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट क्या होगी? तो मैं आपको बता दूं कि अगर 100 वाट का हम बल्ब 10 घंटे जलाते हैं तो एक यूनिट बिजली बिल होती है, तो इसी के अनुसार आपको निकालना है। जल्दी से निकालिएगा और आंसर दे दीजिएगा। 100 वाट का बल्ब अगर हम 10 घंटे जलाते हैं तो एक यूनिट होती है, आंसर क्या होगा 67 का? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 108 यूनिट। और क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, एक तरंग 0.8 सेकंड में 24 चक्र पूरा करती है, तरंग की आवृत्ति क्या होगी? 68 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 30 हर्ट्ज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। एक अस्थाई चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न करता है, यदि इसे 2 बराबर भागों में, देखिए यहाँ पे बराबर भागों में काट दिया जाए तो
उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बी बाई टू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले चार लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्यक के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है, जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? जी हाँ, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, -5 mm। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा। घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप। कभी कभी आपको कोई कोई प्रश्न में इस ऐसे ही प्रश्न में आपको सिर्फ ब्यूटेन मिलेगा, ठीक है, तो ब्यूटेन आंसर हो जाता है, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आंसर दिया जाए तो आपको देना है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई वह क्या है? आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन ए, प्रोटॉन। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन है 73। वह सेल यानी वह बैटरी जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक बैटरी, ठीक है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे देखिएगा। सामांगी यानी सादृश्य मिश्रण का उदाहरण कौन सा? तो आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन ए, गन पाउडर, गन पाउडर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पे। साफ्टिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? आंसर हो जाएगा आपका 75 का ऑप्शन ए, SiO2। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है? तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77। वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है। 77 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। निम्नलिखित में किस अणु में द्विबंधन है? निम्नलिखित में किस अणु में द्विबंधन है? 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, O2 में, ठीक है, O2 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित कौन सी शर्त आवश्यक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80। 6C2D14 तथा 7N2D14 उदाहरण है किसका?
80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संभारिक, संभारिक के। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है कौन से रंग में? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लाल रंग के प्रकाश में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 82 पे, 82 नंबर क्वेश्चन है, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एपीफाइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस जल्दी से आंसर दीजिएगा 83 का। जी हाँ, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जल और थल दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है, उपोत्पाद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है, उपोत्पाद नहीं है, या इस तरह से भी कह सकते हैं उप उत्पाद नहीं है, उप उत्पाद नहीं है। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? 85 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रक झिल्ली में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 86 पे, फसलों में डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है, क्या प्रदूषित होता है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वायु, मिट्टी और जल तीनों प्रभावित होते हैं, प्रदूषित होते हैं। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 87 पे, 87 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है किससे? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फंगस से, फंगस से। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, ब्लड जो है ऑक्सीजन युक्त होता है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फेफड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे, सुमेलित युग्म नहीं है, सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका साल्मोनेला कुष्ठ, सुमेलित युग्म नहीं है, साल्मोनेला कुष्ठ से संबंधित नहीं है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है, मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है, 90 का, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ, तो आप हमारे टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ऐप में आप स्टडी 24 ग्रुप ज्वाइन करें और ये पीडीएफ आपको प्राप्त हो सकती है। चलिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, यही आप लोगों से अपेक्षा है। और अगर आप लोग टेस्ट बंद करवाना चाहते हैं तो बंद भी करवा सकते हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, देख रहा हूँ बहुत दिनों से, जब से ये परीक्षा स्थगित हुई है बहुत कम कैंडिडेट जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं टेस्ट में। तो अगर आप लोग बंद करवाना चाहते हैं तो बंद करवा दीजिए।
तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल पल के अपडेट्स के लिए। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।